कार्यक्रम। नीमच के बघाना थाना क्षेत्र में नाका नंबर 4 के कच्चे रास्ते पर कुछ अज्ञात बदमाशों ने आशु नामक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। वही घटना नाका नंबर 4 के कच्चे रोड सिग्नल वाले बाबा के समीप की है। चाकू की घटना के बाद स्थानीय इलाके में सनसनी फैल गई। घटना को देख लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर जहां बघाना थाना इंचार्ज उषा बारिया अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गई। युवक को बेहोशी की हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं जिला चिकित्सालय में उपचार के दौरान घायल को उदयपुर रेफर कर दिया गया है। बघाना पुलिस ने अज्ञात बदमाश के खिलाफ प्रकरण भी दर्ज किया है। अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार साले और जीजा का विवाद बताया गया है, जिसमें साले पर आरोप लगाते हुए और दो साथी के नाम लिए हैं। वहीं पुलिस घायल को होश में आने के बाद और पूछताछ करेगी, जिसमें कई नाम उजागर हो सकते हैं। हम गाड़ी पर थे, ये लिफ्टिंग करने का था, तो वहाँ से ये वापस आया ना, तो मतलब इसने पेड़ पकड़ते बाहर, तो रास्ते में अपने नाम बताए, उसके उनके साले वालों को बताया। तो किस बात को लेकर झगड़ा, क्या रंजिश प्रण क्या था? रंजिश तो ये इनकी कुछ पुराना कुछ मैटर था, सुशाल पक्ष से। सुशाल पक्ष से बुझा भाई, उनका नाम बता रहा था, सुशाल पक्ष में। तो इनने मेरे से बोला क्या करें, मुझे फटाफट लेके चलता है। तो क्या देखा आपने, क्या सोच करने का था उसके बाद? किसी चाकू मारा को देखा आपने? तीन जने के बता रहा था, कोई नाम है वो ये 70 भाई बता रहा था, ये काला है, कौन था नाम वो? मेरे को फोन पे समझ में नहीं आया, तो मैं मोटरसाइकिल पे था, ये दो लोगों को नाम में समझ में आया। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ, क्यों झगड़ा हुआ? इसका विवाद चल रहा है, इसके जो लड़की है ना वो इसके घर में मतलब रुकी बैठी है, तो कोर्ट में ही मामला चल रहा है इसका, ये महिला ये मामला चल रहा है। तो फिर क्या हुआ वहाँ पे, क्या कर किसने चाकू मारा था? चाकू तो ये बता रहे तीन लोग थे, 70 भाई बता रहे, काला बता रहा, और एक और वो लड़का बताएगा नाम, और वो होश में आएगा तो वो पूरी जानकारी देगा। क्या माना पर्सनल डिस्ट्रिक्ट का देखना है, पर्सनल डिस्ट्रिक्ट का मामला है, क्या है, किस बात को लेकर विवाद हुआ? अभी तो वो बेहोश है, अभी कोई जवाब नहीं दे रहा है, जब होश में आ जाएगा उसके बाद ही।